कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो है संडे है, और संडे को मम्मा ने दोपहर के खाने में बनाया है पुलाव, हमारा फेवरेट। और जो है ये कितने पर हमने स्टार्ट किया था, इसकी रेसिपी हम आपको आगे चल के देंगे कि आपको बताइएगा। हम लोग देखने में तो टेस्टी लग रहा है, खाने में भी देखते हैं कैसा टेस्ट है, फिर आप लोग भी ट्राई करेगा। ये देखें, ये रहा पुलाव। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गर्मी इतनी हो रही है और मेरे बालों से पसीना टपक रहा है। अब ये उस पे भी हमें नज़ला खांसी हो रहा है, इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठंड हो रही है, सीने में खांसी हो रही है, ये हो रहा है। और जो है बारिश भी नहीं हो रही है, हालांकि ये महीना तो बारिशों का कह रहे थे 25 से या 25 के आगे से मतलब बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। सिर्फ आई थिंक एक दो दिन पहले हुई थी, यार मुझे तो याद नहीं है, लेकिन रात में बारिश हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, ठंडी ठंडी, लेकिन जो बारिश ही नहीं हो रही, हवा भी चल रही है, गर्म हवा चल रही है, लू वाली, बिल्कुल बहुत गर्मी हो गई। और ये देखिए पंखा भी चल रहा है, गर्म हवा आ रही है। ये देखें मुरिया को कितना पसीना आ रहा है, हालांकि हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं। पसीना आ रहा है, मुझे पता नहीं। मम्मा इनका तो बालों से पसीना टपकता है, ऐसा लगता है नहा कर आएंगे। मम्मा गर्मी हो रही है, चले हम लोग खाना खा लें, मेरा मम्मी से मिलते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चावलों के आपको पता है कैसी भूख होती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम लोग बताते हैं आपको कि हमने पुलाव कैसी बनाई थी। ये देखें ये सारे मसाले वगैरह, ये देखें ये चावल हैं, और जो है ये टमाटर और मिर्चें हैं, ये प्याज और पुदीना, और ये आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। चलें आए हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखें हमने तेल को जो है गरम करके रखा हुआ है, बस थोड़ा सा और गरम हो जाए तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलें आए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, हम सबसे पहले डालेंगे लौंग, जो हमने आपको देखे मसाले वगैरह दिखाए थे, लौंग और दालचीनी। ये देखिए हमने डाल दी, फिर उसके बाद हमने ज़ीरा डाल दिया। अब हम इन दोनों को चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हल्का हल्का ब्राउन आ जाए और हल्की सी खुशबू आ जाए। ये देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे प्याज, ये प्याज और पुदीना है, हमने प्याज डाल दी, यहाँ पे हमने प्याज डाल दी, पुदीना भी नहीं डालना हमने। और जो प्याज को भी हम लोग डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें लाइट ब्राउन करना है, हल्की सी खुशबू आ जाए। ये देखिए डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, लाइट ब्राउन करना है प्याज को, हमें चम्मच हिलाते रहना है। और देखिएगा आप लोग हमारी रेसिपीज अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी पुलाव बनने वाली है। और ये देखिए प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, फिर भी हम थोड़ी सी देर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना, डार्क ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे गोश्त, गोश्त भी हल्का हल्का ब्राउन हो जाए इस वजह से, ये देखें, और गोश्त भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हमने फिर डाल देंगे लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाल देना है, ये देखें। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और ये देखें हमने जो है बड़ी वाली जो मिर्ची होती है उसे हल्का सा मतलब कूट के हमने डाल देना है। हमने ग्रीन मतलब मिर्चों का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें वाइट चावल लगने हैं, लाल चावल मतलब हमें ताहरी नहीं बनानी है, हमें पुलाव बनानी है, तो इस वजह से हमें कुटी हुई मिर्ची नहीं डालनी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग सौंफ, और हमने धनिया डाल दिया। अब आपको पता है कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, इस वजह से चावलों में थोड़ा सा मतलब अच्छा सा पना आ जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छा आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सौंफ और धनिया डालने के बाद हमने जो है क्या कहते हैं इसे मिक्स कर दिया, फिर हमने इसके ऊपर डालना है हसबी जायका, आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप लोग हसबी जायका मतलब नमक तेज़ खाते हैं, हल्का हमें तो नहीं पता, हमने अपने हिसाब से डाला है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, उसके बाद हम डाल देंगे हरा धनिया।
सॉरी, ये हरा धनिया है। अमूमन मतलब बहुत से लोग जो है ना ये कहते हैं पुदीना डालते, लेकिन मैंने हरा धनिया डाला है। और जो है आप अभी हमने इसे ढक देना है, उसके बाद हम डाल देंगे आलू। आलू तो हमने बॉईल करके ही डाले थे क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, इस वजह से हमने आलू डाले हैं। बच्चे मतलब बहुत कम बोटियाँ पसंद करते हैं, लेकिन आलू बहुत बच्चे पसंद करते हैं, इस वजह से बड़े भी शौक से खा लेते हैं, मतलब इतना नहीं खाते लेकिन खा लेते हैं। और जो है ये देखें, ये चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छे से चावल हम डाल देंगे और ये देखें चावलों को एक कप हमने पानी भी डाल देना है, एक ग्लास या एक कप। ये देखें ये इस तरह सा हो जाएगा। अच्छे से हमने इसे दम वगैरह लगाना है। और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। और जो है हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।